क्या आप एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एमएड में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बीए बीएससी को पढ़ाने के लिए एमएड होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कि बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन उसी प्रकार से होता है एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो आइए जानते हैं इनके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। देखिए पात्रता, पहला सीरियल नंबर जो है न्यूनतम 55% अंकों के साथ बीएड बीएलएड बीए बीएड बीएससी बीएड में उत्तीर्णता, आरक्षित निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5% अंकों की छूट। अगर आप बीएड में बीएलएड में बीए बीएड बीएससी बीएड में 55% अंक प्राप्त किए हैं तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन करने के लिए योग्य हैं और आरक्षित कोटि और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5% अंक की छूट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली है कि जो साधारण रूप से ग्रेजुएशन किए हैं, बीए कर लिए हैं, बीएससी कर लिए हैं, बीकॉम कर लिए हैं, वे एमएड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चयन मेघा का आधार क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा बीएड बीएलएड बीए बीएड बीएससी बीएड के प्राप्ति अंक प्रतिशत के आधार पर मेघा सूची कोटिवार तैयार की जाएगी तथा समान कोटि में प्राप्ति अंकों का प्रतिशत समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2019 को न्यूनतम 22 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षण, तो आरक्षण के लिए आप वीडियो को पॉज करके आप विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन जो है इसमें आवेदन फी आपको 500 रुपया लगता है। तो यह जो है भागलपुर वाले के लिए है, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय भागलपुर, इनके लिए तिथि को आप देख सकते हैं 25/4/2019 से 17/5/2019 तक एमएड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात जो थी कि एमएड कौन कौन कर सकते हैं, कितने प्रतिशत अंक होनी चाहिए और न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए, इन सभी को आपने जान लिया है। बीएड एमएड से संबंधित सभी न्यूज़ को प्राप्त करने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते हैं।